पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट में काम कर रही एक महिला डॉक्टर की लाश मिली। लाश पर कपड़े नहीं थे, चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव थे, निजी अंग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। महिला डॉक्टर की लाश को देखकर अंदाजा लग चुका था कि उसकी बेरहमी से दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने जांच शुरू की और एक संजय रॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। संजय रॉय के बारे में जो खुलासा हुआ है वह सबको हैरान कर देगा। आइए जानते हैं कौन है आरोपी संजय रॉय। संजय रॉय अपनी माँ के साथ रहता है, वो इलाके में कुख्यात है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके पड़ोसियों ने बताया कि संजय एक बॉक्सर रह चुका है। संजय रॉय शराब का लती है। संजय ने कई शादियां की हैं, वो शादी करता और कुछ दिन रहने के बाद महिलाओं को तलाक दे देता था। पिछली बार उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, जिसके बारे में कहा गया कि कैंसर से उसकी मौत हुई है। संजय के व्यवहार के कारण उसकी बहन पूजा तक ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। संजय रॉय के बारे में यह भी सामने आया कि वो कोलकाता पुलिस सिविल वॉलंटियर होने के बहाने लोगों को अपना शिकार बनाता था। उसके एक हार्डकोर क्रिमिनल होने के बारे में भी बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि लोगों ने बताया खुद को पुलिस बताकर संजय दलाली भी करता था और कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी भी कर चुका है। संजय रॉय के बारे में अस्पताल की महिला स्टाफ ने जो बताया वह दंग कर देने वाला है। फीमेल स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर शराब पीकर अस्पताल में आता जाता था। फीमेल स्टाफ और अस्पताल में आई दूसरी महिलाओं और लड़कियों को गंदी नजरों से देखता था। जांच में पता चला है कि जब डॉक्टर पर संजय रॉय ने सेमिनार रूम में हमला किया तब वो सो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि रॉय ने पहले रात 11 बजे आरजीकर परिसर में प्रवेश किया। वो पहले से ही नशे में था। वो जल्द ही अस्पताल परिसर से बाहर निकल गया। उसने बाहर आकर और शराब पी और सुबह 4 बजे के आसपास फिर इमरजेंसी में गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 5 अन्य लोग तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल के आसपास के क्षेत्र में नजर आए थे। सबसे पूछताछ की गई, लेकिन संजय रॉय ही यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि वो वहां क्यों गया था। पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। डॉक्टर के संघर्ष करने पर उसका गला घोटने की बात मानी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।